एक हीरो जिसका नाम लियो डीमन हार्ट है कैसल की ओर जाता है और वहाँ लियो डीमन क्वीन एकिडना और उसके चार जनरल्स एडवर्ड मैरनिस लिली और शटीना से मिलता है। लियो कहता है कि वो एक डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है और चाहे उसने उससे पहले खत्म कर दिया था। एकिडना उस पर चिल्लाती है और अपने जनरल्स को उसे बाहर फेंकने को कहती है। इसके बावजूद भी लियो बार बार अंदर आ जाता है और जनरल्स को उसकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए कन्विंस करता है। एडवर्ड लियो की स्किल्स को मान जाता है और उसे टीम में लेने के लिए रेडी हो जाता है। लिली भी लियो के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मैरनिस इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। और फिर श्वेतान लियो से पूछती है कि वो डीमन आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहता है। लियो फिर रिवील करता है कि उसने किटन और उसकी आर्मी को डिफीट किया है और जिन लोगों को उसने बचाया वो उसे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करने लगे और उन्हें लगा कि लियो अगला डीमन किंग बनने वाला है, इसलिए वो लोग लियो को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से रेनल्स के राजा ने लियो को सिटी से निकाल दिया। लियो ने फिलोसोफर स्टोन को चोरी होने से बचाया था, लेकिन फिर भी उसे निकाल दिया गया। उसके बाद लियो अपने आप को संभाल नहीं पाया, तब उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया छोड़ देगा और डीमंस की साइड में चला जाएगा। शुतीना उसके स्टोरी पर विश्वास कर लेती है और उसको एक मंथ के ट्रायल पीरियड पर हायर करने को रेडी हो जाती है, लेकिन लियो एकिडना से दूर ही रहेगा क्योंकि उसे अभी भी इस बात के बारे में पता नहीं है। बाद में लियो टाइम में वापस जाता है जहाँ वो देखता है कि एकिडना अपने सोल्जर्स को किसी को मारने से मना करती है क्योंकि वहाँ पीसफुली राज करना चाहती है। अगले दिन लियो श्रुतीना को अपने बच्चों वाली आवाज़ यूज करके उठा देता है। वो डर जाती है और लियो पर गुस्से में अटैक कर देती है। लियो को रियलाइज होता है कि श्रुतीना को बहुत सारा स्ट्रेस है क्योंकि दूसरे डीमन लीडर्स उसके डैमेज करने की वजह से पीछे हट गए हैं और श्रुतीना एक ही ऐसी जनरल है जो कि एम्पायर को संभाल सकती है। लियो फिर माना रिएक्टर्स को यूज करके श्रुतीना की हेल्प करने का डिसीजन लेता है। वो रिएक्टर्स सिर्फ उसकी वेवलेंथ पर ही फंक्शन करते हैं। फिर लियो एक आर्मर्ड सोल्जर बन जाता है जिसका नाम ब्लैक नाइट ओनिक्स है और वो इधर उधर घूम सकता है और एकिडना से भी बच सकता है, लेकिन वो काम के बीच में ही ब्रेक ले लेता है और इससे श्रुतीना अपसेट हो जाती है। लियो फिर एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम डायनेट है और उससे लियो रिएक्टर्स की रिपोर्ट मांगता है। हमें यहाँ पता लगता है कि तलिस्मान का यूज करके लियो ने श्रुतीना की वेवलेंथ को सॉर्सरस की वेवलेंथ से सिंक कर दिया और इससे लियो ने प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना सीख लिया। फिर वो श्रुतीना को डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस बताता है और उसे उसकी वर्क शेड्यूल को ठीक करने में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि उसके पास खुद के लिए ज़्यादा टाइम हो। आखिर में वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर लियो श्रुतीना से उसकी सर्विस के बदले किस मांगता है और बाद में श्रुतीना लार्जर सी की लॉजिस्टिक प्लान के लिए हेल्प मांगती है क्योंकि लिली उससे अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है। श्रुतीना बताती है कि लार्गो के ड्रैगन फॉग के एकिडना के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और सप्लाईज के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लिली हर किसी को फन करने को बोल रही है और ये एक अर्जेंट काम है, इसलिए लियो लार्जर सिटी सी जाता है और एक एक्शन प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो बिना लिली के अप्रूवल के कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ और ऑप्शन ना होने पर वो एक जहरीले सांप को बुलाता है और अपने आप को कटवा लेता है ताकि लिली उसके लिए हर्ब्स लाने के लिए मोटिवेट हो सके और लिली एक डिवाइन वुल्फ में बदल जाती है और उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसको लियो ने लगाया था ताकि वो उसे टीम वर्क की इम्पोर्टेंस सिखा सके, लेकिन कोई एक्सटर्नल सपोर्ट यूज किए बिना ही वो हर ऑब्स्टिकल को पार करती है और लियो अब रूप बदल के आता है और अपने आप को गॉड हार्ट बताता है और तब लिली एक ऊंची छलांग लगाने ही वाली होती है। लियो उसे कुछ एडवाइस करता है लेकिन लिली सारे ऑब्स्टिकल खुद ही पार कर लेती है। फिर लियो को लगता है कि उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन लिली उसके एडवाइस को यूज करके एक प्लान बनाती है और उसके टास्क को अच्छे से करती है। फिर लियो को लगता है कि उसे लिली को और क्रेडिट देना चाहिए। बाद में एकिडना लियो को बुलाती है और वो उसे ऑनिक्स बन के मिलने जाता है और उसने उसे साथ में डिनर और ड्रिंक्स लेने को कहा। एकिडना उसे उसका हेलमेट उतारने को कहते लेकिन वो अपना फेस चेंज कर लेता ताकि उसे शक ना हो। लियो वहाँ से जाना चाहता है इसलिए वो एकिडना को ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लान काम ही नहीं करता। लियो एकिडना से पूछता कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर लियो उसकी डीमन टीम ज्वाइन कर ले, लेकिन वो कहते कि वो उससे नाराज है क्योंकि उसने उसे एनिलियस से फिलोसोफर स्टोन लेने से रोक दिया था। लियो उससे पूछता कि तुम्हें फिलोसोफर स्टोन क्यों चाहिए, तो वो बोलती है कि उसे एक डीमन वर्ल्ड के बारे में बताती है जो वेस्टलैंड है और एकिडना वहाँ पे लोगों की लाइफ सुधारना चाहती है और इसलिए उसे डीमन वर्ल्ड चेंज करने के लिए स्टोन चाहिए। और जब लियो को एकिडना के अच्छे इंटेंशन के बारे में पता लगता है तो एकिडना के लिए लियो के दिल में रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एकिडना लियो से उसकी मोटिवेशन के बारे में पूछती है क्योंकि ये एक टफ सिचुएशन है।
लियो सोचता है कि शायद उसे अपनी असली आइडेंटिटी एकिडना को बता देनी चाहिए, लेकिन फिर उन दोनों को शुतिना और लिली इंटरप्ट कर देते हैं और वो बताते हैं कि मरनेस और एडवर्ड आर्मी को छोड़ चुके हैं, जिसे सुनकर एकिडना हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद लियो मरनेस को ढूंढने जाता है जो कि एक जर्नी पर गया है। दूसरी तरफ एकिडना एडवर्ड को ढूंढती है जो कि सुसाइड करना चाह रहा था। फिर लियो मरनेस से मिलता है और उससे पूछता है कि वो क्यों जाना चाहता है। तब मरनेस बताता है कि वो कुछ इंटरव्यूज के लिए बहुत नर्वस है क्योंकि उसे बात करनी नहीं आती, और लियो से बोलता है कि तुम मुझे अगले 3 दिन तक कम्युनिकेशन सिखा दो। लियो उसकी बात मान जाता है और एकिडना की मरनेस के बारे में सब कुछ बता देता है। एकिडना भी लियो को बताते कि एडवर्ड बहुत ज़्यादा मेंटली वीक हो गया था क्योंकि उसे लगा कि वो एक वर्थलेस जनरल है, लेकिन उसकी बेटी जूलियटा अब उस पर नज़र रख रही है तो इसलिए वो कुछ गलत नहीं करेगा। बाद में लियो मरनेस को वेट्रेस की ड्रेस पहनाता है और उसे कुछ टिप्स देके उसकी हेल्प करता है। फिर मरनेस एक मिशनरी ग्रुप से बात करता है और लोग उसे बहुत गलत बिहेव करते हैं और उसकी स्कर्ट पर हाथ लगाते हैं, लेकिन मरनेस उन्हें एक सबक सिखाता और अच्छे से भी बात कर रहा होता है। बाद में लियो उसे उसकी प्रोग्रेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसका एक मॉक इंटरव्यू लेता है जहां मरनेस लियो से उसके डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का असली रीजन को पूछता है, क्योंकि उसे लियो पर बहुत डाउट है क्योंकि उसे पता लगता है कि अकेले ही सारे ह्यूमंस को लियो मार सकता है। और मरनेस को यह भी पता लगता है कि जिस तरीके से ह्यूमंस ने लियो को धोखा दिया और उसका बचपन भी बहुत दर्द भरा रहा, लेकिन फिर भी लियो बहुत काइंड हार्टेड है, इसलिए मरनेस बहुत कंफ्यूज हो गया। मरनेस वहाँ बैठ के रोने लगता है तो लियो उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है जो 1000 साल पुरानी है। वो कहता है कि टोक्यो एक हाई टेक प्लेस हुआ करता था और वहाँ पर सब तरीके की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर एक दिन पोर्टल ओपन हुआ और डीमन वर्ल्ड के डीमंस अर्थ में आ गए, जिससे एक वॉर स्टार्ट हो गई और ह्यूमंस ने उस सिचुएशन से लड़ने के लिए डीमन हार्ट्स को बनाया। लियो भी एक डीमन हार्ट है और अब तक इस दुनिया में वही बचा है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका पर्पस ह्यूमंस को बचाना है, इसलिए वो अब तक जी रहा है, लेकिन जब उसे ह्यूमंस ने धोखा दिया तो उसने एक दूसरी लाइफ शुरू करने का डिसीजन लिया। लियो को अब रिलीफ होता है कि क्योंकि उसने आखिरकार अपनी स्टोरी किसी को बता दी है, और मरनेस को ये जानने के बाद शॉक लगता है कि लियो 1000 साल पुराना है। लियो मरनेस के प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड है और अब वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन जूलियटा लियो से बात करती है और बताती है कि एडवर्ड क्रिमस से हारने के बाद डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन एडवर्ड अपने हारने का रीजन नहीं मान रहा और उसे लगता है कि उसे उसकी तरह ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। लियो फिर प्लान करके आता है, लिली और जूलियटा को फैंटम 9 सूट के पास ले जाता है जो मशीन्स के एरा से वहां पर है। लियो उसे एक्टिवेट करता है और वो उसे एडवर्ड्स की आर्मी के पास ले जाता है, और वो सूट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और उसमें कुछ खराबी भी है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था, इसलिए सूट एडवर्ड पर अटैक करता है जो सूट से लड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर लियो और जूलियटा सूट को हराने में एडवर्ड की मदद करते हैं। एडवर्ड सूट को हराने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन फिर ये क्या, सूट अपने बैकअप को बुलाता है और अपने 3 और सूट जाग लेते हैं, और फिर वहाँ एकिडना और उसके जनरल्स भी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। डीमन क्वीन मशीन्स को हरा देती है और लियो एडवर्ड को कुछ लेसन्स देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि फैंटम नाइट सूट को कैसे हराना है, और उसे एक्सप्लेन करता है कि उसे अपनी टीम के एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एडवर्ड आखिर में अपनी टीम से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। वो लोग एडवर्ड को ही अपना जनरल रहने को कहते हैं और फिर एडवर्ड प्रॉमिस करता है कि वो अपने आप को सुधार लेगा। अगले दिन शुतिना लियो को बताते कि लियो का प्रपोशन होने वाला है, और लियो फिर प्रॉमिस करता है कि मीटिंग के दौरान वो उसके इंटेंशंस को रिव्यू करेगा। उसके बाद वो पास्ट के बारे में सोचता है जब वो इब्राद से मिला था जो एक डीमन था। फिर एक फ्लैशबैक शीन स्टार्ट होता है जहाँ इब्राद अपनी लाइफ के लिए लियो से भीख मांग रहा है। वो बिलियाल के बारे में बताता है जिसने ह्यूमन वर्ल्ड का पोर्टल खोला था ताकि डीमंस भी एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें। उसके बाद वो एक बहुत बड़ी कॉन्वर्जेशन करते हैं जहाँ लियो उससे इस दुनिया में आने का स्टोरी बताता है, और फिर इब्राद लियो को कहता है कि तुम वैसे अपनी लाइफ जियो जैसे तुम्हें पसंद हो और जिससे तुम्हें खुशी मिले। डिस्कशन के दौरान लियो बताता है कि अभी वो डीमन हार्ट्स के बीच सबसे कमज़ोर मॉडल है और वो स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। जब उनकी बात ख़त्म होती है तो इब्राद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो बार बार कहता है कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहाँ ह्यूमंस और डीमंस एक साथ पीसफुली रह सकें, और वहाँ ये रिवील होता है कि इब्राद ने लियो के दिमाग में हीरोइन को क्विट करने का आइडिया डाला था। अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और लियो अपने ऑनिक्स वाले रूप में एकिडना से मिलने जाता है।
एकिडना ऑनिक्स के प्रमोशन पर साइन करती है, लेकिन लियो को वो न्यूज देने से पहले ही सबको खबर मिलती है कि क्रिस्टल्स की कमी की वजह से स्पिरिट पोर्टल बंद होने वाला है। उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं और उन्हें डिसीजन लेना है कि या तो वो हमेशा के लिए पीछे हट जाएं और या फिर फिलोसोफर स्टोन लेने जाएं। एकिडना अपनी चॉइसेस के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रही। फिर लियो अपना हेलमेट उतार देता है और उसे बताता है कि टोटल 2 फिलोसोफर स्टोन्स हैं, और एकिडना के पास जाता है और उसे हेल्प ऑफर करता है। लेकिन लियो का धोखा पता लगने के बाद वो उस पर अटैक कर देती है। बाद में क्या होता है, वो टीम अप होने के बाद एक साथ सी शॉर्ट माउंटेन पर जाते हैं। लियो रस्ते में एकिडना से बात करता और बताता है कि फिलोसोफर स्टोन कैसे यूज किया जाता है। लियो जब एकिडना को अपने पास्ट के बारे में और बताता है तो वो दोनों फिर साथ एक साथ हो जाते हैं। लियो ये भी बोलता है कि उसे डर है कि उसके अंदर एक कोड है जो ह्यूमंस को बचाना चाहता है और उसकी वजह से वो पागल भी हो जाता है। वो उसे अपना असली पर्पज ही बताता है और फिर वो सबको बताता है कि उसके दिल में फिलोसोफर स्टोन है। अब लियो एकिडना और उसकी टीम को उसे मारने को कहता है ताकि वो स्टोन ले सकें, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो दुनिया के हर एक ह्यूमन को मार देगा। वो एकिडना को अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि ह्यूमंस को दोबारा उस पर डिपेंड होना होगा और उसके लिए उसे दुनिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एडवर्ड और शुतीना भी लियो से लड़ने लगते हैं, लेकिन जब एडवर्ड शुतीना को लियो के अटैक से बचाने रहा होता है तो एडवर्ड बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लियो अपनी इमॉर्टल होने की वजह से फ्रस्ट्रेट है और लड़ाई के अलावा उसका कोई दूसरा पर्पज नहीं है। एकिडना और उसकी टीम फाइट के दौरान स्ट्रगल करते हैं। लिली लियो से कहती है कि वो उसके साथ प्रॉब्लम शेयर करे ताकि उसकी हेल्प कर सके, लेकिन ये क्या, इतना प्यार से बोलने के बावजूद भी वो उस पर अटैक करता है और अब ग्रुप लियो के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करता है। लेकिन लियो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 3000 साल से उसकी एबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। एडवर्ड अपने ड्रैगन फॉर्म में भी लियो का कुछ नहीं कर पाता और फिर मर्मिस लड़ाई को ज्वाइन करता है और लियो से कहता है कि तुमने हमसे अपने इंटेंशन के बारे में झूठ बोला था। लेकिन मर्मिस आगे कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि लियो उसे जमा देता है। लिली फिर अपने आप को डिवाइन यूल्फ में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और लियो पर अटैक करती है, लेकिन लियो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लियो एक अटैक से उसे हरा देता है। एकिडना को पता लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो वो एक स्पेल यूज करने का डिसाइड करती है जो एक सुपर हीरो की पावर्स को बांध सकता है। तब तक शुतीना की जिम्मेदारी है कि लियो को उलझा कर रखे। फिर लियो अपने स्पेल का सम्मन कर लेती है और वो कहते हैं कि लियो सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अब तक किसी को नहीं मारा। अब एकिडना की पावर बहुत बढ़ गई है और लियो पर स्पेल यूज करने वाली है। वो उसे लगता है कि लियो अटैक से बच जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर खड़ा रहता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। इसके लिए वो एकिडना को थैंक यू भी बोलता है। अब वो अपनी लाइफ में पीछे जाता है जो कि उसकी आंखों के सामने आती है। हमें पता लगता है कि लियो हमेशा से दुनिया को बचाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता था और धीरे धीरे लियो को वॉर की क्रेव होने लगी ताकि लोग दोबारा उन्हें बचाने के लिए उस पर डिपेंड रह सकें। लियो इतना इंसेन हो गया था कि उसने नए विलेंस को बनाने का सोचा ताकि फिर उन्हें मार के दुनिया को बचा सके। लेकिन जब डीमन पोर्टल ओपन हुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि अपने अकेलेपन की वजह से वो पागल हो चुका है। फिर लियो अपने विलेन प्रोग्राम को रोक देता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ईविल था। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके फिलोसोफर स्टोन को ले सके, और तब वो एकिडना से मिला। तब हमें पता चलता है कि जितना भी टाइम उसने डीमन आर्मी के साथ बिताया वो उनका टेस्ट ले रहा था ताकि डीमंस अपने वर्दीनेस को प्रूव कर सके। एकिडना को लियो के इंटेंशन का पता लगता है और उसे बुरा लगता है कि उसे इतने सारे पेन और सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ा। एकिडना को पता लगता है कि उसे ऐसा कोई चाहिए था जो उसकी हीरो वाली आइडेंटिटी को बचा सके, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो उसे एक आसान मौत देगी और उसकी पावर्स को ख़त्म कर देगी ताकि उसके जनरल्स उस पर फाइनल अटैक कर सकें। लियो फिर गिर जाता है और खुश होता है कि वो आखिर में हार गया। वो डीमंस लियो से उसके प्लान के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन वो उन्हें कहता है कि लेट होने से पहले उसको दिल से स्टोन ले लो। फिर एक इमोशनल सीक्वेंस आता है और एकिडना लियो को ह्यूमन और डीमन के बीच पीस लाने वाले एम्बेसडर की उपाधि देती है। लियो सारे जनरल्स को उसे मानने को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। सुतीना कहती है कि उसके अंदर की प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद लियो आज़ाद हो जाता है और आखिर में इब्रा की एडवाइस को यूज़ करके वो अपने आप को हील करता है। एकिडना लियो को अपना हाथ देती है और लियो उसका हाथ पकड़ के उठता है। लियो अब एक सबॉर्डिनेट की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और एकिडना पूछती है कि क्या जीने का डिसीजन लेके तुमने सही किया, क्या तुम्हारे दिल में कोई रिग्रेट तो नहीं है ना। लियो कहता है कि लियो एकिडना की विश जो कि डीमंस के लिए अच्छी दुनिया बनाना है उसको पूरा करने में हेल्प करना चाहता है।
जूलियटा बीच मूवमेंट में आ जाती है और कहते कि बहुत सारा काम करने को बचा है। अब लियो एकिडना और जनरल के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर शो खत्म होता है।